सर तेजस्वी यादव जी के भाग और भक्त में यदि सीएम बनना होगा तो पप्पू यादव कहाँ से रोकेंगे? लालू यादव जी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम वो उठाएंगे। बात रही तेजस्वी यादव जी की, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ, मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई मेरी। और मैं ऐसा उम्मीद नीतीश जी से भी करता हूँ, तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक बंगलुरु में बुलाई गई है, जहां तमाम 26 पार्टियां पहुंची है और इस बैठक में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का दर्द छलक उठा है, क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया गया। पहली बैठक में भी नहीं बुलाई गई थी, दूसरी बैठक में भी जब नहीं बुलाई गई तो पप्पू यादव काफ़ी भावुक हो गए और कहने लगे कि हमें जो है महागठबंधन का हिस्सा बना लीजिए, हम लगातार एक साल से प्रयास कर रहे, यहां तक कि लालू यादव से मुलाकात किए, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार से भी। उन्होंने कहा है कांग्रेस से भी आग्रह किया है, कहा है कि कांग्रेस जो है इस पर कुछ अपनी सहमति जताए ताकि जो है हम महागठबंधन का हिस्सा हो सके। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, देखिए इस पूरे वीडियो में। नेता लालू यादव आपको आने देंगे तेजस्वी यादव के रहते हुए? देखिए बार बार मैंने आपको कहा ना, यहाँ तो यादव की है ना तो राजपूत की है ना तो साहबुद्दीन जी कौन यादव है या और लोग कौन यादव है। अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करिए। मैं बहुत क्लियर हूँ, लालू यादव जी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम वो उठाएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद नीतीश जी से भी करता हूँ कि बीजेपी के साथ रह के नीतीश जी ने कभी अपनी आइडियोलॉजी को, सेकुलरिज्म को, अन्य चीज़ों को अलग नहीं किया। और आज जरूरत है देश में 2024 में एक व्यक्ति के नफरत उसके अहंकार को ख़त्म करना, अन्यथा 2025 के लायक नहीं बचेंगे। बात रही तेजस्वी यादव जी की, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ, मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई मेरी। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए परेशान है जी। लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने, अच्छा तेजस्वी यादव जी के भाग और भक्त में यदि सीएम बनना होगा तो पप्पू यादव कहां से रोकेंगे? मैं ये क्या कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को सीएम बनाने से मैं रोकूंगा? किसी को कोई रोक सकता है? दो बार वो डिप्टी सीएम रहे कि नहीं? लालू यादव जी दो बार डिप्टी सीएम सबको बनाए कि नहीं बनाए? अब आज रागनी को कौन सा लालू यादव जी बना दिया? रागनी ने अपने कैरेक्टर से अपनी चीज़ों को स्थापित कर दिया ना, कि नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वार्ता होगी तेजस्वी जी से तब तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। आज मैं महागठबंधन के साथ हूँ तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के तरीके और तेजस्वी जी के हर चीज़ों के साथ खड़ा रहूँगा। आज आप 2025 का तो मुद्दा है नहीं, 2024 का मुद्दा है। इसीलिए एक सवाल है, जिस तरीके से जदयू ने हम पार्टी को अपने में विलय करने की बात की, आगे जाकर अगर इस तरीके से आपको आता है क्या कहेंगे? देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने पार्टी का विलय पहले भी कह चुका हूँ कि किसी कीमत पर नहीं करूँगा। पार्टी का एग्जिस्टेंस वो हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से है और मैं अपने तरीके से समाज के लिए जीता हूँ। सिंबल यूज करेंगे? बहुत क्लियर, मैं कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं भैया, कोई सिंबल नहीं। आप आगे बढ़ो।